टॉप 10 हेडलाइंस के साथ मैं हूं मलिक रूफ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हाल ही में अस्करी साफों में शामिल हुए इन तीन जंगजुओं को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दो रोज काबुल श्रीनगर के डालगेट इलाके में कृष्णा ढाबा पर हमला करके इसके मालिक को किया था जख्मी। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर के बागात बारसुला इलाके में फोर्सेस पार्टी पर जंगजुओं का हमला, हमले में दो पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मी एहलकार अस्पताल में जख्मों की ताब न लगकर दम तोड़ बैठे। जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला की शादीशुदा जिंदगी तनाजा दिल्ली हाई कोर्ट में है जेर इल्तवा। उमर अब्दुल्ला बीवी से जल्द चाहते हैं तलाक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब मुंबई में सख्ती। ब्रह्मन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नई गाइडलाइन की जारी। गाइडलाइन के मुताबिक ब्राजील से लौटने वाले लोगों को लाजमी तौर पर रहना होगा क्वारंटीन। वादी कश्मीर के जनूबी जिला शोपियां और वस्ती जिला भड़गांव में दो अलग अलग जगहों पर होने वाले मुसल्ला झड़पों में तीन जंगजुओं और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हुआ हलाक, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल हो गया जख्मी। महकमा इनकम टैक्स ने जिला श्रीनगर में कई मुकाम पर मारे छापे। डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स महकमा की सरबराही में महकमा ने जैनकूट में कायम नूरा अस्पताल और दीगर पांच मुकाम पर मारे छापे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी, आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ। पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे और डीजल की कीमत में 33 पैसे का हुआ इजाफा। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत है 65.9 डॉलर फी बैरल। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में कंट्रोल लाइन के नजदीक तैनात एक फौजी एहलकार हरकत क्लब बंद होने से हुआ हलाक। 44 आरआर से वाबस्ता था एहलकार। अमरीकी इंतजामिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अक्वामे मुतहदा में ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद किए जाने के फैसले को लिया वापस। अक्वामे मुतहदा में अमरीका के कारगुजार मुस्तकिल नुमाइंदा रिचर्ड मिल्स ने एक खत में किया ऐलान। मुस्तकबिल में ढेरों कामयाबियां आपके नसीब हो, वकार यूनुस ने अजहर अली को सालगिरह पर दी मुबारकबाद। और पुणे में क्रिकेट मैच के दौरान बैट्समैन दिल का दौरा पड़ने से हुआ हलाक। आज की हेडलाइंस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।